क्वेश्चन नंबर 14, लेट ए फंक्शन डिफाइन है, ये पूरा एक्स है, रियल नंबर माइनस माइनस 4/3। रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन प्लस और माइनस, बस उसमें से हमें एक नंबर हटाना है, माइनस करना है, कौन सा, माइनस 4/3 वाला, ठीक है। और कहाँ तक जा रहा है, रियल तक। बी अ फंक्शन एस, फंक्शन डिफाइन है 4x अपॉन में 3x प्लस 4, मतलब डिवाइड में जो टर्म है वो जीरो कब होगी, जब हम यहाँ पे रखेंगे माइनस 4/3, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। बस एक वही नंबर हम यहाँ पुटअप नहीं कर सकते, बाकी हर नंबर पुटअप कर सकते हैं, उन्होंने ये बोला है। द इनवर्स ऑफ एफ इज मैपिंग जी, डिफाइंड है रेंज एफ, मतलब यहाँ ये जो है आर, मतलब रेंज एफ से कहा जा रही है आर माइनस माइनस 4/3, ये क्या है एफ मैपिंग है, और ये इनवर्स मैपिंग है जी। क्या है, क्या होगा फंक्शन इसके लिए, जी फंक्शन क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दिए, जी ऑफ वाई, आपको पता करना है कि जी ऑफ वाई क्या होगा। तो सबसे पहले कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हमें ये चेक करना है, 1 और ऑन टू, और ऑन टू में जो जी ऑफ वाई मिलेगा वही क्या होगा, इसमें से आपका वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर इसको पूरा प्रॉपर वे में करना है तो वो मैंने प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करा है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास गिवन है एफ ऑफ आर माइनस माइनस 4/3 रेंज एफ, बी डिफाइंड। फंक्शन क्या डिफाइन करा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, राइट। अब सबसे पहले देखिए, लेट y बिलोंग्स टू रेंज एफ, y अगर कोई इसमें रेंज में, मतलब यहाँ बिलोंग करता है, तो देन देयर एग्जिस्ट, x का बिलोंग करेगा यहाँ, मतलब अगर y यहाँ है तो x का बिलोंग करेगा यहाँ, सच देट किस प्रकार से, y इक्वल्स टू कितना होता है, एफ ऑफ एक्स, सबको पता है y की प्लेस पे y लिखा, लेकिन एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे मैं क्या रख सकती हूँ, 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, पुटअप कर दिया। देखिए, अभी डिवाइड में लेफ्ट साइड गया तो कहीं में हुआ मल्टीप्लाई में, तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो हो गया 3xy, y का 4 में करा तो हो गया 4y एज इट इज, 3xy राइट साइड गया तो काय का हो गया माइनस का, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया x, तो यहाँ क्या बचा 4 और यहाँ बचा 3y, राइट। x की वैल्यू निकालना है तो ये जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में इधर आया तो काय में जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो गया 4y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y, ठीक है, यही हो जाएगा। और यही क्या है, आपकी वैल्यू आ गई, देखिए आ रही है। बट फिर भी अगर इसमें प्रॉपर वे में चेक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन क्या है मैपिंग, ये डिफाइंड है, राइट। और फंक्शन क्या डिफाइन हो गया, ये वाला, ये जी ऑफ वाई मिल गया। आप चाहो तो बस आपको चूज द करेक्ट करना है तो सिर्फ टिक ही लगाना है, लेकिन प्रॉपर वे में सॉल्व करना है तो इस तरीके से करेंगे, आप देख लीजिए। गॉफ ऑफ एक्स निकालते थे और फॉग ऑफ वाई, तो गॉफ ऑफ एक्स इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, जो फंक्शन डिफाइन है सम में, 4x 3x प्लस 4 रख दिया। अब ये हो गया जी ऑफ वाई, वाई को क्या डिफाइन करा, 4 के साथ वाई है तो 4 के साथ क्या आ जाएगा, ये फंक्शन, ये 4 माइनस 3y, ये अगेन फंक्शन। देखो यहाँ और यहाँ मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया, राइट, एलसीएम लिया तो ये डिवाइड की टर्म से डिवाइड की टर्म कैंसल, तो ये हो गया 4 जा 16, और यहाँ डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 4 जा 16, 4 जा 12x और प्लस माइनस माइनस 12x, तो ये प्लस 12x और माइनस 12x क्या हो गया कैंसल, बचा 16x अपॉन में 16, इट मीन 16 टू 16 क्या हो गया कैंसल, क्या आ गया x, मतलब जो गॉफ ऑफ x था वो मिल गया आपको पर्टिकुलर x एज इट इज। अब हम फाइंड करेंगे फॉग ऑफ y, राइट, फॉग ऑफ y को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ y, क्लियर, जी ऑफ y की प्लेस पे हम क्या रख देंगे 4y, 4 माइनस 3y रख दिया। अब ये हो गया एफ ऑफ x की पोजीशन, ये पूरी x की पोजीशन है, तो x को कैसे डिफाइन करा है, 4x ये रखा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3x प्लस 4, तो x की प्लेस पे डिवाइड की टर्म से डिवाइड की टर्म कैंसल, लेकिन एलसीएम लेने के बाद, तो यहाँ हो गया 4 जा 16y, ये हो गया 3 जा 12y, एलसीएम लिया तो 4 जा 16 माइनस 12y, प्लस 12y माइनस 12y कैंसल, क्या बचा यहाँ पे 16y डिवाइडेड बाय 16, 16 से 16 क्या हो गया कैंसल, तो क्या बचा y, मतलब गॉफ ऑफ एक्स मिलना था एक्स वो आ गया, फोग ऑफ वाई होना था वाई वो भी आ गया, इट मीन्स गॉफ की जो भी वैल्यू है एक्स कहाँ बिलोंग करती है इसमें,
और फोक के जो भी वाई की वैल्यू बिलोंग करती काय में करती इसमें रेंज एफ में, इट मींस जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। डेफिनेटली एफ इनवर्स और जी आपस में कैसे होगा इक्वल, और ये कब इक्वल आया, जब हमने ये फंक्शन ये ही पुट करा, राइट ये पुट करा तभी इनवर्स आया। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा जी ऑफ वाई की 4y 4 - 3y। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास 4y 4 - 3y, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी वाला करेक्ट हो गया है।